फिर हाँ, मेरी जी के साथ उस महफिल में गाना गा दो और मुझे मेरी जी के लिए गाना गाने दो। कपूर साहब, कोई रिकॉर्डिंग नहीं है। सॉरी सिकंदर, अब जो भी नई रिकॉर्डिंग होगी वो आपके अगले शो के बाद ही होगी। दुनिया में कितना शोर है जी, इस ओर है उस ओर है जी। दुनिया में कितना शोर है जी, इस ओर है उस ओर है जी। आवाज तभी मीठी लगती जब बंधे सुरों की डोर है जी। मीठी बातों का अच्छा नाम रखना जी। लड्डू पेड़े कुल्फी से आवाज आपकी मीठी है, धूप भी गाने लगती है और हवा बजाती सीटी है। गाते सब घर वाले सभी पड़ोसी मिश्रा जी या गुप्ता जी झूम उठेंगे गाना सुन के जैसे मैं और कुत्ता जी। लट्टू फूटे गाना सुन के मेरे मन के अंदर जी, सुनने में अच्छा लगता है। गा दो ना सिकंदर जी, गा दो ना सिकंदर जी, गा दो, गा दो ना सिकंदर जी। सिकंदर को चिरवाली जाने से रोक दिया, मायरा की तरफ मोड़ तो दिया। ये हो गया, देवर को हैंडल करना पड़ेगा। किसलिए फोन किया लव? क्या कहना चाहती है? बस एक वर्ड गुड्डू, प्लीज ऐसा मत करो। तुम ये जो सवालों के जवाब ढूंढ रहे हो ना, तुम्हें कभी नहीं मिलेंगे, ढूंढने से भी नहीं मिलेंगे। और तुम अगर ऐसे ही सवाल करते रहे ना तो मेरी शादी खतरे में पड़ जाएगी। गुड्डू प्लीज समझने की कोशिश करो। मैं जानती हूँ मैंने तुम्हें बहुत हर्ट किया है, पर मेरा यकीन करो प्लीज। अमायरा मेरी और सिकंदर की बेटी है गुड्डू। भाई सिकंदर जिसने अमायरा को पहली बार जब गोद में लिया ना, तो सिटी फैमिली हॉस्पिटल पूरा पूरा खुशियों से भर गया था। अरे उसने तो पूरे हॉस्पिटल में सोने के सिक्के बंटवाए थे गुड्डू, कितना खुश था वो। मेरे और सिकंदर के बीच में जो भी कमी आए ना गुड्डू, वो मायरा पूरी करती है। वो पूरी उस पूरे घर की खुशी है, हम सबकी खुशी है। प्लीज प्लीज हमारी खुशी हमसे मत छीनो। हेलो गुड्डू,
मान जाओ ना सिकंदर जी, मैंने ओमी रिची के लिए गाना गाने दो। सिकंदर जी, आप मुझे मेरे पापा से मिलाने के लिए इतना कुछ कर रहे हो, मुझे पता है मेरी वजह से ओमी रिची को लगता है कि उनके पापा, उनके डैडा मेरी वजह से उनसे दूर हो गए। मेरे पापा मेरे पास नहीं, पर आप तो मेरी जी के पास हो ना, मेरे लिए नहीं तो मेरी जी के लिए आप बोल दो ना सिकंदर जी। नो टॉकिंग के जोन आंखें तेरी टॉक करे, दिल ये चाहे सेटिंग सन, तेरे संग एक रोमांटिक सी वॉक करे। ओह माय गॉड, मैं तो सोच ही नहीं सकती। मींस बल्ले बल्ले देवर, इस हॉस्पिटल में आप यहाँ क्यों आए हैं? छोटी सी हेल्प चाहिए थी बस। बोलिए। आपकी एक पुरानी पेशेंट है, हमें उनके रिकॉर्ड्स देखने थे। सॉरी सर, मैं ऐसे किसी भी पेशेंट की जानकारी ऐसे किसी को नहीं दे सकती। हमें पता है कि हॉस्पिटल के रूल्स होते हैं, रेगुलेशंस होते हैं, लेकिन 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 आप प्लीज एक छोटी सी हेल्प आप प्लीज कर सकती है, एक बार चेक करके देख लो आप। ओके ओके सर, आप पेशेंट का नाम बताइए। लवली सिकंदर गिल। उनकी इन्फॉर्मेशन? सर इनकी इन्फॉर्मेशन तो मैं दे ही नहीं सकती, क्योंकि थोड़ी देर पहले डीन सर आए थे और वो खुद सारे रिकॉर्ड सिस्टम से डिलीट कर दिए। तो सच में क्या कहते तेरे मामा देखो? सयानी बुढ़िया। तो सच में सयानी बुढ़िया है? काश मैं समझ नहीं पाता कुछ यार। क्यों? तू जो मुझसे करवाना चाहती है ना, मैं वो नहीं करूंगा। ठीक है बच्चे, मैं दोबारा हमारे अगले तुझसे गवा के मैं नाइंसाफी नहीं होने दूंगा तेरे साथ में। आपने मेरी कसम खाई है, आप नहीं माने तो मुझे कुछ हो गया तो ये भी तो नाइंसाफी हो ना। और ऐसी गर्ल की ना चंट पहना है। क्या है तू? कौन है बता मेरे को? ऐसी कैसे है? मैंने सच में लगता है कि मेरे रब ने मेरे वास्ते तेरे रूप में एक परी भेजी है। परियों के तो पर होते हैं और वो जादू भी कर सकती है। मैंने भोली की किताब में परियों बनी हुई देखी है और मैं तो वैसे थोड़ी सी भी नहीं हूँ। मैंने तेरे पर देखे, तू अपने हिस्से की कामयाबी मायरा के साथ बांटना चाहती है। क्यों? खुशी बांटने से बढ़ती है और कामयाबी बांटने से कम होती है, तो फिर खुशी बनी हुई है कामयाबी? खुशी तो फिर की मेरे गाने से आप और अमीर जी उस फुट्टी वाली महफिल में साथ होंगे तो अमीर जी को खुशी मिलेगी, वो खुश होंगे तो मैं भी खुश हो जाऊंगी और आपके गाने से सुनने वाले लोगों को भी खुशी मिलेगी। खाओ इसे और मारो निकाल। मान जाओ ना सिकंदर जी, गाने गा दो ना सिकंदर जी। सिस्टम से रिकॉर्ड्स हटे ना? यस। कहीं तो होगी जानकारी, किसी कागज में, किसी ऑफिस में, किसी फाइल में, किसी पेपर में, कहीं पर तो होगी ना? होते तो हैं, पर एक मैडम आई थी और उनके रिक्वेस्ट करने पर वहां से भी रिकॉर्ड्स डिलीट कर दिए गए। ये थी वो मैडम? यस सर, ये वही थी। तो क्या छुपा रही है ये लव? क्या हुआ सिकंदर, बुलाया तुमने? कहाँ थी तुम? तुमसे बात करने थी। नहीं, मैं यही बस कुछ काम से गई थी। क्या हुआ है? मायरा, मुझे पता है डेविड डिसूजा के पास कुल्फी को आपने भेजा था।
अगर चुगली करनी ही थी तो मेरे रूम में आके मैंने आपको माफ करने का ड्रामा क्यों किया? मुझे कुल्फी ने नहीं, आपकी मम्मा ने बताया। तो लाइफ ही हो चुकी है। आपके डैडा को बोलना जरूरी था। अब तो आप मुझे पनिशमेंट दोगे ना, बताओ मैं क्या करूं? अब बस इतना समझ लो हमारा, आपने जो किया उससे मुझे बहुत दुख हुआ। आप चाहते हो डैडा से दुखी रहे? हमारा मैं इस बार सच में चाहता हूँ। मैं आपको आप प्रूफ करो इस बार कि आपको अपनी गलती का एहसास है। ऐसे मुंह नीचे करने से कुछ नहीं होगा। क्या आपने मुझे कितनी बड़ी गलती करी आपने, आप भी जानते हो। आपको मैं थोड़ी सी सजा दूंगा क्योंकि गलती मेरी भी है। मैं समझता हूँ बच्चे, आप कुल्फी को दूर इसलिए भेजना चाहते थे क्योंकि आप मेरे साथ ज्यादा टाइम स्पेंड करो। मैं अपनी गलती सुधारने के लिए तैयार हूँ मायरा। आपको भी अपने आप को बदलना होगा, और जब तक हम सब आप में बदलाव नहीं देखते ना, फोन दो, टैबलेट दो, और क्या है, और कुछ है? कोई वीडियो गेम नहीं होगी, कुछ नहीं होगा, आप दोस्तों के साथ बाहर भी नहीं जाओगे। सॉरी बोलो मायरा, आप कुल्फी को